कैसे आप सब, मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू ब्लॉग। तो गाइस डी और मैं तो रेडी हो गया है और गाइस हमारा पैराशूट भी रेडी हो गया है। आज मस्त वाला पैराशूट उड़ाएंगे। बाय जोजो बाय। गाइस इसको लेके नहीं जा रहे ना, इसलिए कर रहा है। बाय जोजो। पैराशूट लेके चाचा की छत से कूद जाए। पैराशूट लेके छत से कूदने की सोच रही है? भाग लेके नीचे गिर जाएंगे। आइडिया अच्छा है। मस्त प्लान है। चाचा के घर के बाहर काम चल रहा है। ये देखो भाई कितनी मस्त तरीके से ईंट फेंक रहे हैं ऊपर। चीनू ये क्या कर रहा है? गिर जाएगा भाई। चाचा देख लो भाई गिर जाएगा यार, रुक जा चाचा, इसको रोक लो, गिर जाएगा। गाइस ये देखो भाई चाचा के घर में सर्कस चल रहा है ना। तू तू रहने दे, तू गिर जाएगी। नहीं गिरेगी। ओ भाई चिकी रुक जा। हाँ बंदर की बच्ची लग रही है ये। So guys, आज फाइनली भाई पैराशूट उड़ाने की कोशिश करेंगे। जंगल की साइड जा रहे हैं अभी चाचा और मैं। जगह देख के आ रहे हैं, कोई खाली सा ग्राउंड। तू नहीं करेगा यार, हवा भी मस्त चल रही है उड़ाने के लिए ना। गाइस ये जंगल की एंट्री आ गई है, अंदर जगह देख के आता है कोई खाली सी। यहाँ पे देखो कितनी खाली जगह है, यहाँ पे भी उड़ा सकते हैं। यही जगह ना रात में बहुत डरावनी हो जाती है। अब एक काम करते हैं भाई, चाची चीनू चिकी रिया सबको यहाँ पे लेके आते हैं। चीनू जल्दी जल्दी कपड़े पहन ले पैराशूट के नाम पे। देखो कितनी जल्दी एक्साइटेड हो गया ये। तेरे को भी उड़ाना है? रहने दे गिर जाएगा यार। ये भी लेके चल रहा है गद्दा। गाइस अभी सामान लेके जा रहे हैं। गाइस चाची भी आ गई है। गाइस हम तो पहुंच गए हैं, बाकी सब आने लग रहे हैं पीछे पीछे पैदल पैदल और पैराशूट फैला रहे हैं। आते ही वेट नहीं हो रहा चाचा से। आज भाई फाइनली खुद का पैराशूट उड़ा रहे हैं। चाचा पूरे एक्साइटेड हो रहे हैं। पैराशूट भी ढंग से नहीं फैलाया। चाचा ध्यान से बांधना, कभी ऊपर से नीचे आओ पैराशूट कहीं और उड़ जाए। खींचो 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 खींचो। कैसा लगा गाइस? चाचा का भाई पूरा पिछवाड़ा घिस गया। जल्दी करो ना। गाइस अब मैं ट्राई करूंगा भाई। भाई बहुत बार गिरे यार। गिरे ना भाई। गाइस आज ना भाई पोपटी हो गया। चाचा की सांस फूल गई। कई बार गिरे चाचा। भाई चोट लग गई। अब मैं करता हूँ ठीक है ट्राई। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ भाई। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। तो पलटे का शुरू कर जा। गिर गए ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गाइस अपना भाई कई देर से लगे हुए हैं तो फेर में धूप में उड़ के ही नहीं दे रहा। कभी कोई गिर रहा है, कभी कोई गिर रहा है। गाइस अभी ना भाई 5 बज गया, हमने 3 बजे से लगे हुए थे। कई बार गिरा मैं। अभी शुरुआत है ना तो थोड़ा समझने में टाइम लग रहा है। ये देखो पैंट छूट गया। गाइस फिलहाल 6 बज गया है और अभी तक ट्राई कर रहे थे, अभी तक नहीं उड़ा पाए। अगर प्लेन होता ना तो मस्त उड़ जाता। प्लेन जगह ना कहीं नहीं है दूर दूर तक। चिकी रो क्यों रही है, क्या हो गया? तेरी मम्मी फोन नहीं दिखाती? इतनी देर देखा है इसने, झूठ बोल रहा है। गाइस अभी ना भाई रिया की बारी है। गाइस रिया के साथ तो भाई पॉपर्टी हो गया। और ये गिर गई।
उतरी गए। गाइस ये देखो भाई रिया गिर गई, पेड़ पे पैराशूट अटक गया। भाई साहब क्या सीन हो गया, ये खड़ी तो हो जा, कैसे गिरी है यार ये। गाइस अभी हम सब मिलकर ट्राई कर रहे हैं, अगर हमसे खिंच गई रिया उड़ गई तो ठीक है, ये तो पैकअप करेंगे। गाइस अभी ना भाई सीन हो गया था, कितनी ऊपर उड़ गई थी ना भाई, सुबह से लगे हुए एक बार भी नहीं उड़ा पाया इसको, और अभी स्टब ने मिल गया इसको उड़ा दिया। अभी हवा बंद हो गई थी, हम पैकअप करने वाले थे, पर ऐसे ही ट्राई कर लिया था पर उड़ गया एकदम पड़ी है। देखो हंस रहा है, देख मैं तो डर गया था। अभी ना भाई रात होने वाली है, सब कुछ छोटा हो गया था। ओ भाई दोपहर से लगे हुए, दोपहर में ही आ गए थे हम। गाइस देखो भाई चिकी चोट देख रही है रिया की। गाइस ये कह रहा है कि भैया आप तो पैराशूट ही लिया है, हमने सोची भी नहीं थी कि पैराशूट लिया होगे। गाइस पैराशूट उड़ा उड़ा के थक गया भाई, और रात हो गया पूरी, जंगल के बिल्कुल अंदर बैठे बीच में, और अभी 7:25 हो गया है, पूरा अंधेरा हो गया है। और गाइस अभी ना भाई घर की साइड जा रहे हैं, आज ना भाई बलजीत अंकल आए हुए हैं, इनको ना हॉन्टेड हाउस दिखा के ला रहे हैं, और ये महसूस करके बताएंगे वहाँ पे कुछ है या नहीं है। गाइस फिलहाल घर पे आ गए हैं। गाइस आज पूरे थक गए, थके चाची आप भी, आपने तो कुछ किया भी नहीं तब भी थक गए आप। बैठे बैठे इंसान ज्यादा थक गया है, सिर में दर्द हो रहा है। अभी 9:30 हो गया है, और गाइस अभी फिलहाल हम सब खाना खा रहे हैं। आज खाने में छोले की सब्जी और रोटी, ये सब भी खाना खा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं खाना खा लूं, खाना होकर चलते हैं भाई सीधा हॉन्टेड हाउस के वहाँ पे, जहाँ पे पिछली बार आवाज आ रही थी। ड्यूक कैसा है भाई, तू अभी फिलहाल हम सब मिलकर जा रहे हैं भाई जंगल में हॉन्टेड हाउस के पास में। ड्यूक को क्यों नहीं लेके जा रहे, अगर ड्यूक को लेके जाएंगे ना तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। चाचा तो जा चुके हैं, मैं बलजीत अंकल के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि ये ना कुछ होने नहीं देंगे मेरे को। ओए ओ भाई हाथ गया मेरा, बाइक पैर पे गिर गई। अरे यार उठाइए भाई, चलते हैं चलो। धुआं किस चीज का है, अजीब सा धुआं, और देखो गाइस सारे आगे निकल गए हैं, बलजीत अंकल है ना बाइक चला नहीं पा रहे ढंग से। गाइस अभी फाइनली भाई उसी घर के सामने आ गए हैं, और यहाँ पे ना भाई थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चेहरे पे निशान देखो कितना जबरदस्त लगा हुआ है, निशान देख कैसा है ये देखो गाइस, कितना तगड़ा निशान लग गया अंकल के, अचानक लगा है, ऊपर भी लगा हुआ है, वो आंखों के पास भी लगा हुआ है। गाइस अभी एक काम करते हैं, सीधा घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि बलजीत अंकल आए हुए हैं, तो ये मौका मैंने छोड़ा नहीं, अंकल को मैं सीधा यहीं पे ले आया। मैंने अंकल को बहुत पहले बोल रखी थी कि भाई यहाँ पे कुछ है, तो अंकल ने बोला था मेरे को दिखा के लाइयो, बड़ी वाली टॉर्च भी नहीं लेके आए। आगे जाने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट रुको, शांति से देखते हैं क्या चीज है, आवाज आ रही है बार बार। गाइस ये खिड़की है, खिड़की के पास आगे दोबारा से। ओ भाई क्या लड़ रहा है ये कीड़ा सा, खिड़की में देखते हैं। कुछ दिख रहा है क्या, चलो 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 चलो, चलो। गेट की तरफ एक बार, दरवाजे की तरफ से देखते हैं कैसी आवाज है, अभी भी ताला लग रहा है भाई, ये कैसी आवाज थी, कहाँ से आई चाचा। अंकल ये वाला दरवाजा था, ये लॉक है आज भी, क्या हो गया चाची, जंग लगा हुआ है, काफी पुराना है, जंग लगा हुआ है, शायद चाबी भी खूबी होगी। अंदर से देख लेते हैं कुछ है, अंदर देख उसके अंदर, यहाँ से निकल लो, निकल ले, कोई नहीं है इसके अंदर कोई भी। ये आवाज कैसी आ रही है, किसी ने पैर रोक लिया, जल्दी निकल रास्ते में, मुंह कट गया, कैसे निकल लो, जिन्नाती जगह ये, गलत रास्ते पे आ गए हम, भटक गए जंगल का रास्ता। गाइस देखो भाई दूर से ना काले बादल भी दिख रहे हैं रात को, गलत रास्ते कैसे आ गए, अभी भी ये सही रास्ता नहीं जा रहे पता है, नहीं गलत है ये रास्ता। अरे यार फिर से गिर गया, क्या पूरा धस गया मिट्टी में, यार देख ये रास्ता था ही नहीं भाई, गलत रास्ता ये, चल हम रुको मत, हम चलते रहो, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ये रास्ता, कहीं तो निकलेगा, क्या सीन हो गया, मतलब रास्ता ढूंढ के पागल हो गए, वही रास्ता आ गया सेम जहाँ पे हॉन्टेड हाउस था, बाइक में पेट्रोल ही खत्म हो गया, देख लो थोड़ा बहुत रिजर्व में हो तो, इतना घूम गए तेल ही खत्म हो गया बाइक का।
गाइस फाइनली घर पे आ गया है और धक्का मार मार के बाइक को लाए हैं। बाइक में तेल है लेकिन चल नहीं पा रही है, अचानक बंद बंद हो गई है। कैसे रास्ता भटक गए यार? हम तो रास्ता भटक गए थे, बोले घूम फिर के ना वही हॉन्टेड हाउस पे चले गए। गाइस ये देखो भाई चिकी भी सो गई है। गाइस अभी 11:15 हो गए हैं और गाइस अभी मैं और रिया घर पे जा रहे हैं। पढ़ते नींद आओगी? हाँ आज ना जल्दी नींद आ जाएगी। जो 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 आपका मन नहीं लगा जो जो इतना लेट मत रहा है, जो जो का दिल ना लगता बेटा। रोता है क्या? गाइस ये तो भाई रिया टॉयलेट में गई और यहीं बैठ गया, वेट कर रहा उसका। आ जाएगी जो जो, वो आ जा तू। लेट कैसे हो गया? उड़ा नहीं जा जो। पैराशूट उड़ाया था फिर चोट चढ़ता ना खाई। सिर्फ रिया उड़ी थी और ये बहुत गंदी वाली गिरी है ऊपर से। मैंने पहले कहा था ना मत करियो, ये टेढ़ा टेढ़ा हो गया था। यहां लगी मेरे एकदम। मैं भी ऐसे ही मत करा रहा हूं, मुझे सीरियस काम मत करा कर। गाइस जिनसे लाए थे ना उन्होंने बोला था कि भाई ऊपर हवा में टेढ़ा नहीं होता ये, पर हो गया। अब इसका मन लग गया ना, बहुत मिस कर रहा था सुबह से, हमें सोने भी नहीं दे रहा था मम्मी पापा को ये। सो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ रूम में और गाइस अभी मैं जस्ट नहा के आया हूँ क्योंकि गाइस आज ना भाई पूरे दिन मिट्टी में लोटपोट हुआ मैं। और गाइस एक इंटरेस्टिंग चीज, जैसे ही मैं नहाने गया ना मेरे को बाथरूम में याद आया मैंने भाई अंडरवियर ले जाना भूल गया और टॉवल भी नहीं था मेरे पास पहनने के लिए, भाई कुछ भी नहीं था। 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया है, सब सो चुके हैं। मैंने सोचा भाई किसको आवाज दूं, मैंने भाई सीधा ऐसे भाग के आ गया रिस्क लेके यहां से सीधा अंदर और यहां पे आके मैंने कपड़े पहने हैं। कल मैं और चाचा ना भाई पूरे दिन घूमे हैं, कोई जगह ढूंढ रहे थे जहां पे अपनी गाड़ी के पैराशूट बांध ले और मस्त पैराशूट उड़ाए, कोई भी ऐसी जगह मिली नहीं। आज ना हम जंगल में चले गए और गाइस वहां पे ना भाई जमीन पूरी खराब थी, 3 बजे गए थे जब तक रात नहीं हुई ना तब तक उड़ाते रहे धूप में ना। आज पूरे दिन इतना सर में दर्द हो गया, इतने सिर में दर्द हो गया, पसीने आ रहे थे, प्यास लग रही थी फिर भी लगे रहे। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद ना सिर्फ रिया उड़ पाई, इतनी ऊंचाई से ना रिया ऐसे ही गिर गई थी। वैसे भाई आज का दिन ना बहुत ज्यादा यूनिक था, हम ना पागल ही रहे एक चीज के पीछे, पैराशूट के पीछे। और गाइस जब हमारी नई वाली स्कॉर्पियो N आएगी ना उसके पैराशूट बांध के उड़ाएंगे मस्त, मतलब राजस्थान साइड चले जाएंगे। बाकी गाइस हॉन्टेड जंगल में भी गए थे, गाइस वहां पे भी हमारे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हुई। एक बार दोबारा से आएंगे यहाँ पे, अच्छे से यहाँ की तलाशी लेके जाएंगे और ड्यूक को भी लेके आएंगे इस बार। कमेंट करके बताने की सबसे पहले किसको लेके जाना चाहिए गोस्ट हंटिंग के लिए, ड्रैगन रॉकी ड्यूक या फिर पैंथर को। अभी 12:46 हो रहे हैं और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।